Hi, I'm Radhika from Sattvic Movement, and I bring to you today the Sattvic Energizing Flow. अगर आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं और आप अपने पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं तो आइए मुझे ज्वाइन करिए। हम स्टैंडिंग पोजिशन में स्टार्ट करेंगे। अपने पैरों के बीच में एक फुट का डिस्टेंस रखिए। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए। एक्सेल के साथ राइट साइड की टुवर्ड्स बेंड करिए। ब्रीथ। सेंटर में आ जाइए। इनहेल और इस बार बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। डीप इनहेल, एक्सेल के साथ सेंटर में आ जाएं। अब हम हार्ट रेट बढ़ाने के लिए जंपिंग जैक्स करेंगे 10 टाइम्स, सो ज्वाइन मी। ओके, अब फिर से अपने पैरों को 1 फीट की दूरी पे खोल लीजिए। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए। एक्सेल के साथ बैक बेंड। कम बैक टू सेंटर। अब हम एक बार फिर जंपिंग जैक्स करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग वार्म्ड अप। अब अपने पैरों को करीब 2.5 फीट की दूरी पर खोल लीजिए, 2.5 से 3 फीट। हाथों को वेस्ट पर ले आइए और फॉरवर्ड फोल्ड करिए। अगर कंफर्टेबल है तो अपने पैरों को थोड़ा और खोल लीजिए। ब्रीथ हियर। अब अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए और फॉरवर्ड फोल्ड लीजिए। हाथों को मैट पर ले आइए। अपने राइट नी को बेंड करिए और लेफ्ट पैर को खोल लीजिए कुछ इस तरह। अब लेफ्ट की तरफ मूव हो जाइए। लेफ्ट नी को बेंड करते हुए राइट एंकल को खोल लीजिए। फ्लेक्स योर फुट। हम ऐसे वी विल मूव फ्रॉम साइड टू साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट। टुवर्ड्स द राइट। अब यहाँ पर एक बाइंड लीजिए। अपने राइट आर्म को राइट नी के अराउंड ले जाकर लेफ्ट हैंड को पीछे से दोनों हाथों को क्लास्प कर लीजिए। डीप इनहेल, एक्सेल, release, come to the left, right पैर को खोलते हुए आप अपने left arm को left knee के around wrap कर लीजिए, right hand को पीछे ले जाकर दोनों हाथों को clasp कर लीजिए। breathe
Breathe. Deep inhale. Exhale, release. Now bring your hands onto your knees और हम अपने shoulders को खोलेंगे. Bending one shoulder at a time, opening the other. This feels really good when you do it in the morning. Release. अब inhale के साथ extend your arms and exhale के साथ bend your knees. Goddess pose. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. अब इस बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर ब्रीथ करिए. Inhale. Once more. Inhale. अब धीरे धीरे नीचे आ जाएं. हम मलासन स्क्वाट लेंगे. अपनी एल्बोज को घुटनों के अंदर हुक करके और अपने पेल्विक फ्लोर को हिप्स को खोलिए. ब्रीद हियर. अब अपनी राइट आर्म को राइट नी के अराउंड रैप करके लेफ्ट आर्म को पीछे ले जाइए और एक बाइंड लीजिए. ओपनिंग अप द लेफ्ट शोल्डर. ब्रीथ. कम टू सेंटर. अब लेफ्ट आर्म को लेफ्ट नी के अराउंड रैप करिए. राइट आर्म को पीछे ले जाकर अपने राइट शोल्डर को खोलिए. डीप इनहेल. एक्सहेल. रिलीज. और अब हम प्लैंक पोज में आएंगे. फलक आसन. अब हम अपने हाथों के पीछे जंप करेंगे कुछ इस तरह. जंप विद मी एंड जंप बैक. वंस मोर. जंप बैक. वंस मोर. जंप बैक. And take a rest in Virasana. एक बारी फिर से हम प्लैंक पोज में आएंगे. अब हम अपने राइट एल्बो से नीचे जाएंगे मैट पर. फिर लेफ्ट एल्बो. हम राइट हैंड से ऊपर आएंगे. फिर लेफ्ट हैंड से. अब हम लेफ्ट एल्बो नीचे रखेंगे. फिर राइट एल्बो. लेफ्ट हैंड से ऊपर आइए. फिर राइट हैंड. अब राइट एल्बो. लेफ्ट आर्म. राइट हैंड. लेफ्ट हैंड. वन मोर टाइम. लेफ्ट.
right, left, right. Take a rest in Balasan. पैरों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लीजिए और दोनों टोस को टच करते हुए पीछे बैठ जाइए. यहाँ पर गहरी सांस लीजिए. ऊपर आ जाएं एक बार फिर से प्लैंक पोज में. अब हम साइड प्लैंक लेंगे. अपने लेफ्ट हैंड पर जोर डालकर अपने लेफ्ट पैर पर आ जाइए. राइट पैर आपके लेफ्ट पैर के एकदम ऊपर हो सकता है, या अगर ये ज़्यादा चैलेंजिंग है तो राइट पैर को लेफ्ट के आगे रखिए. आर्म को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए. साइड प्लैंक. अब हम यहाँ से आर्म सर्कल्स करेंगे. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल के साथ वापस प्लैंक पोज में आ जाएं. वी विल गो डायरेक्टली टू द अदर साइड. राइट हैंड का सपोर्ट लीजिए और राइट पैर का ओपन अप. आर्म सर्कल्स. प्लैंक पोज. टेक अ रेस्ट. अब हम अपनी बैक पर आएंगे. स्विंग योर लेग्स टू वन साइड और अपनी पीठ पर आ जाइए. यहां से हम ब्रिज पोज लेंगे. अपने टॉर्सो को ऊपर उठाइए, हाथों को क्लास्प कर लीजिए. सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर. ब्रीद. रिलीज. रेस्ट. वंस मोर. एक बार फिर ऊपर आ जाइए. गहरी सांस लीजिए लंग्स को खोलते हुए. डीप इनहेल. रिलीज. एक बार फिर इनहेल के साथ ब्रिज पोज में आ जाएं. यहां से कोशिश करिए अपना राइट पैर ऊपर उठाने की. रिलीज. हम अपना लेफ्ट पैर ऊपर उठाएंगे. रिलीज. राइट लेग. रिलीज. लेफ्ट. रिलीज. एक बार फिर राइट पैर. रिलीज. लेफ्ट लेग.
रिलीज। मैट पे आ जाइए। रेस्ट। अब हम साइक्लिंग करेंगे। हाथों को अपने सर के पीछे क्लास्प कर लीजिए, नीज को फोल्ड कर लीजिए। अब हम राइट एल्बो को लेफ्ट नी पर लाएंगे और राइट पैर को आगे की ओर खोलेंगे, फिर लेफ्ट एल्बो राइट नी पे आएगा कुछ इस तरह। ये हम बहुत धीरे धीरे करेंगे। अपने स्टमक को अंदर पुल्ड इन रखिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड रिलीज। Take a rest. अब पैरों से एक डायमंड शेप बनाइए कुछ इस तरह। नीचे ले आइए। अब अपनी टॉर्सो को ऊपर उठाइए, हाथों को साइड में एक्सटेंड कर लीजिए और हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, राइट लेफ्ट, राइट left, last one, inhale, exhale and अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, हाथों को ऊपर तक, पैरों को नीचे। nice, now roll like a ball, once more. Once more and come to seated. So I hope aap logo ko bahut maza aaya hoga. You enjoyed our flow. Wish you a very, very happy and energized day ahead. Hare Krishna.